हे एवरीवन, वेलकम बैक टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन एंड इंटीरियर भी आप देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए 40 फीट बाय 45 फीट के इस प्लॉट को, जिसपे हमने एक मॉडर्न डुप्लेक्स विल्ला डिज़ाइन किया हुआ है। 1800 स्क्वायर फीट यानी 200 गज के इस प्लॉट को हमने चारों तरफ से ऑफसेट करके डिज़ाइन किया हुआ है। बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो वहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप आसानी से अपनी दो गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। साथ ही आपको प्लांटर एरिया देखने को मिल जाता है और पीछे आपको वाटरफॉल सेक्शन देखने को मिल जाता है। आप इस प्लॉट में इंटर होंगे तो आपको बड़ा सा हॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि डबल हाइटेड है। उसके अटैच ही आपको एक किचन देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको कॉमन यूज के लिए बाथरूम मिल जाएगा और ग्राउंड फ्लोर में ही आपको एक बेडरूम देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो वहाँ पे आपको दो बेडरूम्स मिल जाते हैं, दो बाथरूम्स मिल जाते हैं और दो बड़ी बड़ी बालकनीज देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको काफ़ी अट्रैक्टिव इंटीरियर देखने को मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में इस प्लॉट के सारे डिटेल्स को जानेंगे, वॉकथ्रू के जरिए इसके इंटीरियर को देखेंगे और इसके 3D लेआउट को भी समझेंगे। आप इसके 3D लेआउट को अच्छे से समझिए, वीडियो पॉज करके समझिए, जिससे आप इसके इस प्लॉट के सारे प्लानिंग को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहाँ पे हमने बेडरूम्स दिए हुए हैं, कहाँ पे बाथरूम्स दिए हैं, कहाँ पे बालकनी और सारी चीज़ें कहाँ पे हमने अरेंज की हुई हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसे और डिटेल से देखते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप इसके इंटीरियर के साथ आप इसकी प्राइसिंग को भी मिस कर देते हैं। तो आपको एस्टिमेट अमाउंट नहीं मिलता कि आप कितने अमाउंट में इस घर को तैयार कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वॉक थ्रू के जरिए इसे और डिटेल से देखते हैं। ये इस प्लॉट का रोड साइड व्यू है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको प्लांटेड एरिया देखने को मिल जाएगा। उसके बाजू में आपको स्टेप्स मिल जाते हैं, जिससे आप इस प्लॉट में एंटर होंगे। यहाँ पे सामने आपको मिल जाता है इस प्लॉट का पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप कार एंड बाइक्स आसानी से पार्क कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे कार एंड बाइक्स आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे आपको मिल जाता है इस प्लॉट का मेन डोर। इस मेन डोर से इस प्लॉट में एंटर होंगे, आ जाएंगे इस प्लॉट के हाल में। इस प्लॉट को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया और इसके इंटीरियर एलिवेशन को हमने काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया और उसको वेंटिलेशन का खास ध्यान देते हुए इस प्लॉट को हमने चारों तरफ से ऑफसेट करके डिज़ाइन किया हुआ, ताकि आपको अच्छा खासा इस प्लॉट में वेंटिलेशन मिलता रहे। बात करें इस हॉल की, तो हमने इसे डबल हाइटेड डिज़ाइन किया हुआ, ताकि आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता रहे। ऊपर भी आपको स्लाइडिंग विंडोज़ मिल जाते हैं और नीचे भी आपको बड़े बड़े स्लाइडिंग विंडोज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सोफ़ा मिल जाता है, उसके पीछे कुछ इस तरह से आपको कंपोजिट का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको सेंटर में एक हैंगिंग लाइट मिल जाता है, जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से हैंग हो रहा है और नीचे यहाँ पे आके कुछ इस तरह से आपको लुक दे रहा है। ऊपर सीलिंग की बात करें, तो प्लाईवुड का सीलिंग और हमने उसमें वॉलपेपर यूज किया हो। यहाँ पे आपको टेम्पल का स्पेस मिल जाता है, उसके बाजू में यहाँ पे आपको मिल जाता है टीवी यूनिट, जो हॉल के सेंटर में हमने सामने दिया, उसके पीछे आपको स्टेप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टीवी यूनिट हमने काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया, जो कि स्टेप्स हमने दिए हुए और काफ़ी यूनिक हमने इसे डिज़ाइन किया और ऊपर ये सीलिंग में ख़त्म होता है, जहाँ पर आपको कंसील लाइट भी देखने को मिल जाते हैं। सामने से डबल हाइटेड हॉल आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जो काफ़ी लग्जरियस लुक देता है। ऊपर से आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ऊपर से आपको हैंगिंग लाइट और इसके टीवी यूनिट का डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाला है और ये ऊपर से ओपन है, तो आप इससे स्लाइडिंग विंडो को ओपन करेंगे तो आपको अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलता रहेगा। हमने वेंटिलेशन का खास ध्यान देते हुए नीचे भी और ऊपर भी जो बड़े बड़े स्लाइडिंग विंडोज़ दिए हैं, जिसको आप ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेंटिलेशन मिलने वाला है। और ये डबल हाइटेड है, तो आपको एक लग्जरी लुक भी देता है। ऊपर से आपको हैंगिंग लाइट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे आपको सोफ़ा मिल जाता है, बड़े बड़े स्लाइडिंग विंडोज़ मिल जाते हैं, टीवी यूनिट देखने को मिल जाते हैं और इसके वॉल की बात करें, तो हमने पूरा ही वाइट कलर में डिज़ाइन किया और इसकी सीलिंग को भी वाइट किया हो। यहाँ पे सिर्फ आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। सामने आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो नज़र आता है, जिसके बाहर चलेंगे तो आ जाएंगे रियर यार्ड में। यहाँ पर आपको छोटा सा वाटरफॉल सेक्शन देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही आपको इसमें कुछ फ्लावर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको प्रोफाइल लाइट भी देखने को मिल जाता है। ये वाटरफॉल सेक्शन अगर आप चाहें तो स्विमिंग पूल के पर्पज़ से भी इसे यूज कर सकते हैं। छोटा है जिसे आप बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, अडल्ट के लिए इसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप फ्लावर भी देख सकते हैं और ये सामने का पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ये आप किचन से आएंगे तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ये किचन के सामने की मार्जिन एरिया है। यहाँ सोफे के राइट साइड से हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे किचन में। यहाँ पे राइट साइड में हमने इसका किचन दिया हुआ, मॉड्यूलर किचन है एल शेप का। यहाँ पे अपर एंड लोअर कैबिनेट मिल जाता है जिसमें किचन के सारे एक्सेसरीज को रखने की कैपेसिटी हमने यहाँ पे दी हुई है। सामने जो स्लाइडिंग विंडो नज़र आ रहा है उससे बाहर जाएंगे तो आ जाएंगे मार्जिन एरिया में, जिसे हमने अभी देखा। यहाँ पे आपको सर्विस प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जिसमें आपको हैंगिंग लाइट्स भी मिल जाते हैं। किचन में नीचे आपको प्रोफाइल लाइट मिल जाता है जिससे आपको अच्छा खासा रोशनी मिलता रहेगा। ऊपर सीलिंग की बात करें तो सिंपल ही सीलिंग हमने किया हुआ है जिसमें सेंटर में आपको फैन मिल जाते हैं और चार फोकस मिल जाते हैं और साइड साइड में आपको कंसील लाइट देखने को मिल जाते हैं। चलिए किचन से बाहर चलते हैं और यहाँ सोफे के पीछे जो हमने डिज़ाइन दिया हुआ है एक्चुअली वो एक पार्टीशन है। उसके पीछे यहाँ पे हमने बाथरूम डिज़ाइन किया और बीच में से आपको पैसेज मिल जाता है जिससे आप आगे यहाँ पे रूम में भी जा सकते हैं। यहाँ से राइट साइड में टर्न होंगे तो यहाँ पे आपको किचन और बेडरूम के बीच में आपको मिल जाता है बाथरूम, जो कि कॉमन बाथरूम है इसमें इंटर होंगे तो कुछ इस तरह से आपको वैनिटी देखने को मिल जाता है। काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाजू में यहाँ पे आपको कमोड का स्पेस मिल जाता है और एक ग्लास पार्टीशन के बाद में यहाँ पे आपको शावर देखने को मिल जाता है। बाथरूम की सीलिंग की बात करें तो सिंपल ही सीलिंग है, चारों तरफ से हमने इसमें कंसील लाइट दिए हुए और दो फोकस दिए हुए जो इसको काफ़ी ब्राइट करते हैं। यहाँ इससे बाहर आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे हाल में। अभी हम राइट साइड से किचन में गए थे और सोफे के लेफ्ट साइड से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ पिक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एक डोर नज़र आएगा जिसमें इंटर होंगे तो हम आ जाएंगे इस प्लॉट के फर्स्ट बेडरूम में जो कि ग्राउंड फ्लोर में हमने दिया हुआ। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको 6x6.5 का बेड मिलेगा, पीछे पेनलिंग मिल जाएगा और मिरर भी मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएगा और सामने कुछ इस तरह से सिंपल सा टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पीछे जो आपको पेनलिंग मिल जाती है वो प्लाईवुड की है और उसके पीछे आपको मिरर्स मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको टेबल मिल जाता है और हैंगिंग लाइट्स भी देखने को मिल जाते हैं। टीवी यूनिट की बात करें तो प्लाईवुड एंड कोरियन में बना हुआ, काफ़ी सिंपल है और ऊपर सीलिंग में आपको कंसील लाइट भी देखने को मिल जाते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके का टीवी यूनिट हमने इसमें ऐड किया हुआ है। चलिए इस डोर से बाहर निकलते हैं, वापस आ जाते हैं हाल में और यहाँ पे आपको टीवी यूनिट के पीछे आपको स्टेयर देखने को मिल जाएगा जिससे हम बढ़ेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखेंगे फर्स्ट फ्लोर के इंटीरियर को किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इस तरह से अगर आप अपने प्लॉट को बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 45 से लेकर 50 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे, तब इस तरह से आप जाके इसे बना पाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे तो सामने आपको एक डोर नज़र आएगा जो कि इस प्लॉट के सेकंड बेडरूम का डोर है। इसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस बेडरूम में। यहाँ पे आपको 6x6.5 का बेड देखने को मिल जाएगा, पीछे पेनलिंग मिल जाता है सिंपल सा और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है, सामने टीवी यूनिट देखने को मिल जाता है और राइट साइड में यहाँ पे वार्डरोब आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इसके इंटीरियर को डिज़ाइन किया हुआ है जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सीलिंग की बात करें तो पूरा POP का ही सीलिंग है, उसमें आपको स्पॉटलाइट और फोकस देखने को मिल जाते हैं और सेंटर में आपको यहाँ पे सीलिंग फैन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्लाईवुड का टीवी यूनिट देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया और उसमें हमने हैंगिंग लाइट्स दो दिए और ऊपर आपको यहाँ पे कंसील लाइट भी देखने को मिल जाएगा। पीछे पेनलिंग कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स के डिज़ाइन किया और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको ड्रेसिंग मिरर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको एक हैंगिंग लाइट देखने को मिल जाता है और बेड सामने से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ बेड के सामने देखेंगे तो वार्डरोब के बाजू में आपको एक डोर नज़र आएगा जिसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस बेडरूम के बाथरूम में। हमने सभी बेडरूम को एक बाथरूम करके डिजाइन किया हुआ ताकि आपको दूसरे बाथरूम में जाने की जरूरत ना पड़े। इसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे कमोड देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे वैनिटी मिल जाएगा और यहाँ सामने देखेंगे तो आपको शावर देखने को मिल जाएगा। सिंपल ही बाथरूम डिज़ाइन किया और ऊपर सीलिंग में आपको कंसील लाइट देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ, कुछ ज़्यादा हमने इसमें नहीं किया हुआ है। चलिए इस बाथरूम से बाहर निकलते हैं, वापस आ जाएंगे बेडरूम में और सामने जो आपको स्लाइडिंग विंडो नज़र आ रहा है, चलिए वहाँ से बाहर चलते हैं और आ जाते हैं इसके बालकनी में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी बड़ी बड़ी बालकनीज हमने इसमें दी हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी सी बालकनी जो बेडरूम के सामने और उसके बाजू में जो आपको स्लाइडिंग विंडो जो नीचे से नज़र आते हैं आपको हाल से, वो स्लाइडिंग विंडोज़ के सामने आपको बड़ी बड़ी बालकनीज मिल जाती हैं जो कि एक बेडरूम की इतनी बड़ी बड़ी बालकनीज है। जहाँ पर खड़े होंगे तो आपको अच्छा खासा व्यू एंड वेंटिलेशन मिलता रहेगा। वापस आ जाएंगे यहाँ पे पैसेज में और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में आपको इस प्लॉट का थर्ड बेडरूम नज़र आएगा, सामने भी स्लाइडिंग विंडो मिलता है जिससे आप दूसरी बालकनी में जा सकते हैं।
यहाँ सामने देखेंगे तो आपको ये थर्ड बेडरूम का डोर नजर आएगा, इसमें इंट्रो होंगे तो यहाँ पर भी 6x6.5 का बेड देखने को मिल जाएगा। पीछे पैनलिंग मिल जाता है सिंपल सा ही, और दोनों तरफ आपको मिरर मिल जाते हैं जिसे आप ड्रेसिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। बेड के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाता है, बेड के सामने आपको टीवी रोड मिल जाता है जो प्लाईवुड एंड कोरियन में बनाया हुआ, और बेड के राइट साइड में आपको वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो देखने को मिल जाता है। सीलिंग की बात करें तो सिंपल सा ही सीलिंग है, हमने उसमें स्पॉट लाइट दिए हुए, सेंटर में हमने सीलिंग फैन दिया हुआ, बाकी कंसील लाइट हमने यहाँ टीवी लेट के ऊपर दिया हुआ जो टीवी लेट प्लाईवुड का बना हुआ है, और यहाँ पे हमने छोटा सा स्टडी एरिया भी दिया हुआ जिसपे हमने कुछ इस तरह से हैंगिंग लाइट दिए हुए हैं। बेड के पीछे कुछ इस तरह से आपको प्लाईवुड की पैनलिंग देखने को मिल जाएगी, और बेड के नीचे आपको यहाँ पे प्रोफाइल लाइट देखने को मिल जाएंगे। वार्डरोब के बाजू में यहाँ पर भी आपको एक डोर नजर आएगा जिसमें इंट्रो होंगे तो आ जाएंगे इस बेडरूम के बाथरूम में, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि हमने सभी बेडरूम बाथरूम से अटैच डिजाइन किए हुए। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको कमोड देखने को मिल जाएगा, सामने वॉश बेसन, सामने शावर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी का स्पेस मिल जाएगा। चलिए इस बाथरूम से बाहर निकलते हैं, वापस आ जाते हैं बेडरूम में, और अभी आपको लेके चलते हैं इस प्लॉट के सेकंड बालकनी की तरफ जो कि काफ़ी बड़ा हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जहाँ पे खड़े होंगे तो अच्छा खासा व्यू एंड वेंटिलेशन मिलता रहेगा। यहाँ टीवी रूट के बाजू में आपको डोर मिलेगा जिससे आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। इस बालकनी भी ओपन बालकनी है, ऊपर से भी ओपन है, उसमें ऊपर स्लेब नहीं है तो ऊपर से भी आपको काफ़ी ओपन फील होने वाला है, और बाहर से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।